वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप साइंस प्रोजेक्ट्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ही दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा खराब एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं, वो भी बहुत आसान ट्रिक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ल्यूमिनस का एलईडी बल्ब है जो कि ख़राब हो चुका है, तो मैं आपको इसे चालू करके दिखाऊंगा। एंड अगर आप इस ट्रिक से बल्ब रिपेयर करते हो तो 100% गारंटी है कि आपका बल्ब रिपेयर हो ही जाएगा। इस ट्रिक से आप बिल्कुल फ्री में एंड वो भी सिर्फ 5 मिनट में खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपके पास भी ऐसा खराब एलईडी बल्ब है एंड अगर आप इसे रिपेयर करना चाहते हो वो भी बिल्कुल फ्री में, तो देखते रहिए हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस ट्रिक से बल्ब रिपेयर करने वाले हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा मिनिमम 2 LED बल्ब, या फिर 2 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, पर मिनिमम 2 LED बल्ब तो आपको चाहिए होंगे इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 2 LED बल्ब है जो कि दोनों ही बल्ब खराब हो चुके हैं। तो हम इस दोनों ख़राब बल्ब को यूज़ करके एक बल्ब को चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्यों 2 LED बल्ब का ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड अगर आपके पास 2 खराब LED बल्ब नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो भी 50% चांसेस है कि खराब एलईडी बल्ब इस ट्रिक से रिपेयर हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 बल्ब यहाँ पर रखे है, जिसमें से पहले वाला बल्ब उजाला का है जो कि मैंने इसी ट्रिक से रिपेयर किया है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको एक और बल्ब चालू करके दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ बल्ब रियली में चालू है या फिर बंद है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैंने घर पर बनाया हुआ इन्वर्टर का, जो कि आप देख सकते हो ये फ्रेंड्स 200 वाट का इन्वर्टर है जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। एंड अगर आप भी ऐसा इन्वर्टर बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट की 7.2 एम्पियर आवर की बैटरी है जिससे हम इन्वर्टर को चलाएंगे। तो पहले मैं आपको खराब बल्ब लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बल्ब खराब है। एंड ये जो उजाला का बल्ब है वो मैंने खुद ही रिपेयर किया है, आप देख सकते हो अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से बल्ब को खोल देना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बल्ब के अंदर बहुत सारी LEDs है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर मेरे पास एक और बल्ब है, इस बल्ब में कम LEDs दी गई है, फिर भी फ्रेंड्स ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। तो अगर आपके पास दोनों बल्ब में LEDs अलग अलग है तो भी आप इस ट्रिक से बल्ब रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो एल्यूमिनियम के ढक्कन पर LEDs दी गई है इसको कुछ इस तरीके से ओपन कर देना है। एंड आप इसके अंदर देख सकते हो एक सर्किट दिया गया है जो कि नीचे होल्डर के साथ कनेक्टेड है, तो उसे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये रेड एंड ब्लैक वायर का सोल्डर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से LEDs बाहर निकल जाएगी। एंड ये आप सर्किट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है हमारी आज की ट्रिक जिसे यूज करके हम बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो हमारा एलईडी बल्ब है वो जब खराब होता है तो इसमें क्या होता है कि या तो एलईडी लाइट खराब हो जाती है या फिर उसका सर्किट खराब हो जाता है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ काम नहीं कर रही है तो हमारा एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरीके से हमारा एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। एंड हम रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों बल्ब को इस तरीके से ओपन कर लेंगे एंड दोनों बल्ब के एलईडीज एंड सर्किट को टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि किस बल्ब का क्या चीज़ खराब हो चुका है। एंड बाद में हमें जिस बल्ब का सर्किट चालू है एंड दूसरे बल्ब की एलईडी लाइट चालू है उन दोनों को सोल्डर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एलईडी बल्ब चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इस बल्ब का सर्किट टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है जो कि हम डीसी वोल्टेज पर सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है 100 प्लस वोल्टेज दिखा रहा है जो कि हमारा सर्किट बिल्कुल चालू है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ एलईडी बल्ब को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बल्ब की एलईडीज है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसमें से कोई भी एक या दो एलईडी अगर ख़राब हो जाती है तो आपका बल्ब काम नहीं करता है। तो इसके लिए हमें हर एक एलईडी को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कितनी एलईडीज खराब हो चुकी है। एंड अगर आपके बल्ब में सिर्फ एक ही एलईडी खराब है, ये जो सारी एलईडीज आप सीरीज में कनेक्टेड देख रहे हो इसमें से सिर्फ एक ही एलईडी खराब हो चुकी है, तो आपको रिपेयर करने के लिए तीसरे बल्ब की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एलईडी बल्ब का सर्किट चालू है एंड एलईडी लाइट में सिर्फ एक ही एलईडी खराब है तो आपको क्या करना है कि जो खराब एलईडी है उसको बीच में से निकाल देना है एंड उसके जो दोनों कॉन्टैक्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव उनको साथ में सोल्डर कर देना है। तो जब आप ऐसा करते हो तो बल्ब का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है एंड सर्किट कंप्लीट होने से सारी एलईडीज में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकेगी। तो इस तरीके से आपका एलईडी बल्ब रिपेयर हो जाएगा। पर आप ऐसा तभी करिए जब सिर्फ एक ही एलईडी खराब हो। अगर आप ज़्यादा एलईडी खराब है दो या तीन एंड अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपका पूरा एलईडी बल्ब भी खराब हो सकता है क्योंकि जो एक एलईडी है वो 4 या 5 वोल्ट की होती है एंड अगर आप 2 या 3 एलईडीज को बीच में से निकाल देते हो तो सर्किट में ओवर वोल्टेज हो जाएगा एंड सभी एलईडीज खराब हो जाएगी। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एलईडीज को टेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट DC कन्वर्टर का। 5 वोल्ट DC आउटपुट होगा उससे हम हर एक एलईडी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 4.80 वोल्ट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हर एक एलईडी को टेस्ट करके देखा तो इस सर्किट में 2 एलईडीज खराब है। तो यहाँ पर मैं पूरा एलईडी को ही चेंज कर दूंगा क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं है कि ज़्यादा वोल्टेज ले सके, इसलिए हम पूरे एलईडी को ही चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सेम दूसरे बल्ब को भी ओपन कर लिया है एंड इस बल्ब का सर्किट खराब है एंड एलईडीज बिल्कुल चालू है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस बल्ब में ज़्यादा एलईडीज है। तो अब हम इसे सोल्डर कर देंगे एंड हमारा बल्ब कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके पहले मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूँ जो कि मेरे पास पड़ा था एंड ये खराब बल्ब का सर्किट है। तो इस तरीके का सर्किट होता है बल्ब में। यहाँ पर आप देख सकते हो येलो एंड वाइट वायर जो है इसके इनपुट वायर है एंड ये जो ट्रांसफार्मर के साइड में 2 वायर है आप देख सकते हो वो इसके आउटपुट वायर है। तो अगर आपका एलईडी बल्ब का सर्किट चालू है तो इसमें से अराउंड 100 वोल्ट के आसपास डीसी वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो सर्किट चालू है या बंद है। तो यहाँ पर मैं आपको खराब सर्किट भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर में रीडिंग देखिए 23-24 वोल्ट ही आ रहा है जबकि ये वाला ल्यूमिनस का सर्किट अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड एंड ब्लैक वायर है उसको मैंने एलईडीज के साथ सोल्डर कर दिया है एंड अब हम इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए अब हम इसे इन्वर्टर में लगाते हैं। तो ये देखिए आप हमारा एलईडी बल्ब रिपेयर हो चुका है एंड कितना ब्राइटली जल रहा है।
तो इस ट्रिक का यूज़ करके मैंने 2 बल्ब रिपेयर किए हैं। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ कीजिए और अपना खराब एलईडी बल्ब को बिल्कुल फ्री में रिपेयर कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाओ। एंड फ्रेंड्स, एक और बात की अगर आपके पास भी कोई नया आइडिया है या नई ट्रिक है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर हमें आपका आइडिया अच्छा लगेगा एंड उस पर अगर वीडियो बना सकते होगे तो हम जरूर से ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस देखिए, वो भी आपके लिए यूजफुल एंड नॉलेजेबल होंगे।